जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर द इंडियन में। दोस्तों आज की जो वीडियो है, जो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास कीजिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आज आपके साथ ये देने वाला हूं। दोस्तों जो भी लोग स्टॉक मार्केट से आइदर जुड़े हैं या ना भी जुड़े हैं, फिर भी ये जो वीडियो है ये कॉमनली सभी के लिए है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आप चाहते हो कि नहीं मेरा पैसा थोड़ा बहुत क्यों ना हो स्टॉक मार्केट में लगाऊं, पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लगाऊं तो कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो ये जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। इसमें मैं आज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको बताने जाने वाला हूं, जिसके आने वाले समय में आप कम से कम एटलीस्ट जो बैंक्स के जो एफडी रेट्स है, जहाँ पे हम एफडी करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इसमें रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। अगर आप पूरी मेरी वीडियो देखते हैं, समझते हैं और फिर भी आपको मेरी बात अगर पसंद नहीं आती है, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और रही बात लाइक करने की, वो तो आप करने ही वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ उतने दिल से दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आप अगर ये वीडियो अभी पूरा नहीं देख पाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा सा शांति से समय निकाल के ये वीडियो को पूरा शांति से देखें, समझे, और फिर आप इसमें डिसीजन लेने में इजिली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो आइए बात करते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों वीडियो एग्जैक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं एक और चीज आपको, ये एक जो क्लिप है हर्षद मेहता की स्कैम 1992 जो मूवी रिसेंट में आई थी, उसमें से एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। जस्ट बिगिनिंग, अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूं। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। ये जो क्लिप आपने देखी दोस्तों, उसमें से आपको एक चीज ध्यान में आई होगी, हर्षद मेहता ने एक बढ़िया बात इस मूवी में कही है, जो एक्टर है, कि अगर पैसा लगाना है तो देश पे लगाओ, हिंदुस्तान पे लगाओ। अभी ये जो बात है कि देश पे पैसा लगाए, तो लगाए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले समय में इंडिया जो है दोस्तों, बिलीव मी, बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है हमारी। आज की जो भी हालात है, परिस्थितियां है, कोरोना है, जो भी अलग अलग पॉलिटिकल इश्यू है, हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है ये बहुत ही बुद्धिमान लोगों का देश है, बहुत ही डे बाय डे डेवलपमेंट्स हो रही है, और हमारे पास जो पॉपुलेशन है बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा देश जो है वो प्रगति ही करने वाला है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब से थोड़ा 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 क्यों ना हो देश हमारा प्रगति के ही रास्ते पे है। बाकी चीज़ें क्या है वो मैं नहीं जानता, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात अगर हम करें, तो आप भी जानते हो दोस्तों कि आज के 20 साल पहले दूध के रेट क्या थे और आज क्या है, आज के 20 साल पहले पेट्रोल के दाम क्या थे, आज क्या है, आज से 20 साल पहले किसी केंद्रीय कर्मचारी का पगार क्या रहता था, सैलरी क्या रहती थी, और आज क्या है। पहले आज के 10-20 साल पहले 10,000 का जॉब मिलना अब जनरली आम लोगों में बहुत खुशी की बात मानी जाती कि अरे वाह मुझे 10,000 की नौकरी लग गई, और आज वही चीज़ एक 25,000 रुपये के लेवल पे शिफ्ट हो गई है। जब 25,000-20,000 की नौकरी लगती है तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये मैं आपको एकदम नॉर्मल लेवल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से समझ सकते हो कि आने वाला जो पीरियड है दोस्तों ये इससे और ज़्यादा प्रगतिशील रहने वाला है। तो अभी इन बातों पे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या है, हमें इन बातों पे पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय में देश प्रगति करने वाला है, और वो प्रगति में हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि जिससे हमारा भी पैसा बढ़ेगा, हमें भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो आइए ये जो बातें मैं कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के होता क्या है, टॉप 50 जो कंपनीज है जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें
तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हर इंडस्ट्री की, हर अलग अलग सेक्टर की कंपनीज इन्वॉल्व है। लाइक आप मान लीजिए मेटल की कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है जो मेडिसिंस बनाती है, फिर आप लीजिए एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी मतलब कि जो हम दिनचर्या में डेली जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपकी छोटी मोटी खाने की चीज़ें हो गई, बिस्किट्स हो गए, तो ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होते हैं उसे एफएमसीजी कहते हैं। तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ हो गई। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, जो बैंकिंग सेगमेंट है अपना वो एक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनमें ये सारी इंडस्ट्रीज में जो सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाली जो कंपनीज हैं, इनको 50 कंपनी को मिला के जो एक इंडेक्स, जो इंडिकेटर एक बनता है, उसे कहते हैं हम निफ्टी। बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो शायद ये चीज़ें ना जानते हो, जो जानते हो वो थोड़ा सा मेरे से बेयर करें, इसलिए काफ़ी बेसिक बता रहा हूँ। तो ये जो हो गया, ये निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज इन शॉर्ट में। अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी को देखते हैं जनरली मार्केट में कि निफ्टी कहाँ चल रहा है। तो अभी लगभग 14,500 के लेवल के आसपास निफ्टी, एक राउंड फिगर में रफली बोल रहा हूँ, चल रहा है। माने इसको अगर हम दूसरे भाषा में बोलने के लिए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो चल रही है 14,500 रुपये पे। आप सीधा ऐसा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश की इकोनॉमी की एक सिंपल आम इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो उसकी कीमत है 14,500 रुपये। अभी आप मुझे सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल फंडामेंटल या जो नॉलेजेबल पॉइंट्स है उसको साइड में रख के एक चीज़ पे बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में इंडिया सच में प्रोग्रेस करने वाला है? डे बाय डे इंडिया में चीज़ें बढ़ने वाली है। आप जैसे मान लीजिए हम बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं, मान लीजिए कल जाके हम मार्स पे जाने के सपने देख रहे हैं, मान लीजिए कल हम तो सारे गांव गांव में इंटरनेट पहुंचेगा इसके सपने देख रहे हैं, हर जगह पानी ही पानी, सबको पीने का पानी मिलेगा, रास्ते अच्छे होंगे, ये सारे सपने हम देख रहे हैं। आज नहीं तो कल ये पूरे होने वाले हैं, हमारा देश प्रगति करने वाला है। तो ये चीज़ें बढ़ने वाली है, इसका मतलब क्या, जो इंडियन का इकोनॉमी, जो निफ्टी मैंने कहा दोस्तों, वो भी बढ़ेगा। जो आज 14,000, 14,500 रुपए पे है दोस्तों, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास रखने से अच्छा देश पे विश्वास रखिए, ये आने वाले समय में कम से कम 3 से 5 साल में दोस्तों ये 50,000 तक टच करने वाला है। जो 14,500 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पहुँचेगा 50,000 तक। अभी सोचने वाली बात ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कहीं ना कहीं, हम एक तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, या तो कोई एफडी करते हैं, ये सब का हिसाब अगर लगाया जाए तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है क्या कि जहां पे आज आप 14,000 की चीज़ खरीद रहे हो और वो 2, 4, 5 साल, 10 साल पकड़ लीजिए आप, उसमें 50,000 रुपये होने वाली है कोई चीज़? मेरे ख्याल से नहीं है। बट दोस्तों बिलीव मी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी की बात मैंने जो की, जिसकी कीमत आज 14,000 है, वो जाने वाला है 50,000 पे। मान लीजिए वो 50,000 ना जाता है, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चीज अगर कुछ होती है, 50,000 जाता है तो वी आर हैप्पी, हम सब लोग बहुत खुश है। बट नहीं जाता है, बुरे से बुरे चीज का हमने प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसमें एक और चीज बता दूं, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या 14,000 की चीज खरीदनी है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग 150-200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को बिल्कुल ना छोड़े, पूरा वीडियो शांति से देखें। तो मैं बात कर रहा था निफ्टी के। तो अभी हम बात कर रहे थे बुरे से बुरे समय का, कि मान लीजिए ये 50,000 नहीं गया तो कम से कम 5 साल में ये 14,000 का डबल होने से तो इसे कोई नहीं रोक सकता। डबल मतलब 28,000, 25,000 तो कोई नहीं रोक सकता। और आज की अगर अपने देश की एफडी के हालात अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे अच्छी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी एफडी का रेट है लगभग 5 से 6% के बीच में, उसका एफडी का रेट है। मतलब आप 1,00,000 रुपए अगर जमा करते हैं तो आपको साल के बाद 6,000 रुपए स्टेट बैंक से मिलने वाला है। तो 1,00,000 का डबल मतलब 2,00,000 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो फिर भी लगभग ये हो गए 60, और उसके बाद मतलब आप मान लीजिए कम से कम आपको 14 से 15 साल आपको लग जाएंगे एफडी में पैसा दुगना करने के लिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 2 से 5 साल में ही हम देश पे पैसा लगा रहे हैं, हम देश पे विश्वास रख रहे हैं। जो हमारा इकोनॉमी है वह आज जो 14,500 पे चल रहा है, वो 25,000 होने से तो कोई नहीं रोक सकता। मेरी तो अपेक्षा है ये 50,000 टच करेगा, पर मैं बात कर रहा हूं बुरे से बुरे समय की।
समझ रहे हो, अच्छा हुआ तो हम सबको पसंद आना ही आना है। तो आइए अभी ये समझते हैं कि भाई आपने तो काफ़ी अच्छी चीज़ बता दी, हमें अभी इसमें पैसा लगाए तो कैसे लगाए। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। जो लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं भी खोले होंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग के कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, जो इंडिया के सबसे अच्छे ब्रोकर्स हैं, अच्छे जो ब्रोकर्स माने जाते हैं उनकी लिंक्स दिए हैं। मैं अगर बताना चाहूँ तो जीरोदा एक है, फायर्स एक है, आप इनमें जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लगभग 250-350 रुपये इनकी साधारणता फ़ी है, जो कि इंडिया में सबसे कम है दोस्तों। तो आपको ये एक चीज़ खोलनी पड़ेगी। दूसरी बात कि वो खोलने के बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। निफ्टी बीज, जिसे हम ETF भी कहते हैं, अभी निफ्टी बीज एंड ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को अगर मैं और सिंपलिसिटी से बताऊं, तो आप लोग जो म्यूचुअल फंड SIP की बात करते हो, तो म्यूचुअल फंड और इक्विटीज, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी होता क्या है, एखादा ETF, एग्जैक्ट इन डिटेल ETF क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा चाहे तो, पर मैं इसको अलग तरीके से जो सिंपल आम लोग हैं उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ETF क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारा जो पैसा है, हम जो ETF सिलेक्ट करते हैं, वो ETF के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारा पैसा लगता है। जैसे कि अगर ETF का नाम है गोल्ड ETF, तो क्या होगा, हमारा जो पैसा है वो गोल्ड के रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे गोल्ड के जो ट्रेडेड फंड होते हैं उसमें हमारा पैसा लगता है। जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ेगा, गोल्ड ETF का रेट बढ़ते जाएगा। दूसरा है मान लीजिए बैंक बीज, बैंक ETF हमें कहेंगे कि जो सिर्फ इंडिया के जो बैंक्स है उसमें हमारा पैसा लगेगा। इंडियन की बैंकिंग इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो हमारा बैंकिंग सेगमेंट, हमारा जो ETF है उसका पैसा बढ़ेगा। पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की, इंडिया की इकोनॉमी की, जिसमें बैंक्स भी है, जिसमें हर सेगमेंट के हर इंडस्ट्रीज की कंपनी भी है। तो वो प्रोडक्ट है निफ्टी बीज। अगर आप, मैं आपको ये वीडियो के साथ में चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे सर्च करना है, मैं आपको चार्ट पे वो चीज़ें दिखा दूंगा कि निफ्टी बीज आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा और वो निफ्टी बीज सिलेक्ट करके आप इसमें जैसे हम सिंपल शेयर खरीदते हैं आप वैसे इसको खरीद सकते हैं। अभी इसकी कीमत चल क्या रही, देखिए जनरली होता क्या है, अगर निफ्टी जो है 14,000 समझो लगभग चल रही है, तो उसका 100वां भाग, मतलब 100वां जो भाग है, 100th जो पोर्शन है दोस्तों, वो उसकी कीमत है। मतलब लगभग 140 रुपये या 150 रुपये के लगभग इसकी आज कीमत चल रही होगी। मतलब जब हमारा निफ्टी जो आज 14,500 है, ये जब 50,000 जाएगा, इसकी कीमत हो जाएगी 500 रुपये लगभग। ऑन एन एवरेज इसकी कीमत होने वाली है 500 रुपये। मतलब आज जो चीज आप 150 रुपये में खरीद रहे हो जाएगी 500 रुपये, बिलीव में। तो ये वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको खर्चा कितना करना है, अगर आज आपके पास 1,000 रुपये हैं, आप जाइए एक इंजॉयमेंट की तरह, आप वो 150 रुपये की चीज 1,000 रुपये में जितने क्वांटिटी बैठेंगे, 8-9 क्वांटिटी, जो 7-8 क्वांटिटी बैठेंगे वो खरीदिए। अगले महीने में आपके पास कोई अब आमदनी आती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है, 5,000 रुपये आते हैं, 10,000 रुपये आते हैं, जो आते हैं आप इसे जमा करते चलिए, आप इसे अकोमुलेट करते चलिए, आपके अकाउंट में लेते चलिए। आज आप उसे अकोमुलेट करेंगे, आने वाले 5-10 साल बाद वो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला है। अगर आपका बच्चा है, बहुत छोटा है, आप सोच सकते हो कि आने वाले 10 साल में आज से मैं उसके लिए थोड़ा 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 इसमें पैसा जमा कर सकता हूँ। 10 साल का जब वो होगा, उसके एजुकेशन के लिए, उसके अगली पढ़ाई के लिए, उसके कोई हॉबीज होंगे उसके लिए, आप वो बहुत सी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा टॉपिक याद आया, सेफ, कि भाई इसमें रिस्क कैसे नहीं है, इसकी बात करते हैं। सबसे बुरा रिस्क मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में, इसमें सबसे बुरा रिस्क होता है दोस्तों, अगर हमने कोई शेयर में पैसा लगाया, जैसे कि हाल ही में कुछ बहुत ही अलग अलग अच्छी कंपनीज थी और वो हो गई जीरो। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेंगे जेट एयरवेज, तो जेट एयरवेज तो काफ़ी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी कंपनी थी, मेरे ख्याल से 900,000 के लगभग उसकी कीमत थी एक साल डेढ़ साल पहले, और आज उसकी कीमत आ चुकी है सिर्फ 20-30 रुपये पे। तो ये होता है शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क, कि हमने जहां पैसा लगाया वो डूब गए। पर ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई,
मान लीजिए ये जीरो होगी, तो ये जीरो कब होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जीरो तब होगी जब अपने देश का शेयर मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तब जाके ये जीरो होगी। आपको लगता है कि हमारा हिंदुस्तान कोलैप्स हो जाएगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे देश पे कोई और कब्जा कर लेगा दोस्तों, समझ रहे हो आप? और ये पॉसिबल नहीं है जब तक अपने देश के जवान अपने सरहद पे डटे हैं। तो इस चीज का हमें सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, एक समय बुरा समय ऐसा आ सकता है, जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट क्रैश हुआ, जो 150 की चीज है वो हो गई मान लो 120 रुपए की, हो गई 100 रुपए की, हो गई। तो हमें तो बहुत आगे की सोचनी है, ये छोटे से परिस्थिति से डरना नहीं है। हमें क्या सोचना है, अगर वो 150 से 100 रुपए भी आती है, जो कि बहुत मुश्किल है, 100 रुपए भी नहीं आने वाली, विश्वास रखिए, आती भी है तो वो हमारे लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और हमारे लिए वो सुवर्ण संधि हो जाती है। कैसे? हम 100 रुपए में और अच्छे से ज्यादा वो चीजें खरीद सकेंगे, और खरीद के जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी दोस्तों, तो आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा, विश्वास रखिए। तो इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें आप इसी तरीके का पैसा लगाइए कि जो आप कम से कम 5 साल 10 साल के हिसाब से रख सकते हो। मतलब उसके पहले आपको जरूरत होगी, जैसे एक कहने की बात है कि आपकी बेटी की शादी है 1-2 साल में, तो वो पैसा आप लगा रहे हो? नहीं नहीं, इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। कोई आपकी बहुत ही अहम सेविंग है जो आपको कभी भी आपके कोई मेडिकल सिचुएशन में काम आने वाली हो, इन पैसों को इसमें ना लगाएं। आप इसमें बहुत छोटे 150 रुपए की बात की मैंने, आप 150 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 1000 रुपए आ रहे, 1000 रुपए से स्टार्ट कर दी, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें समझिए, लगा के 5 साल 10 साल भूल जाइए, और फिर देखिए आपने जो पैसा है वो अपने देश पे लगाया है, अपने देश के इकोनॉमी पे लगाया है, और ये जरूर 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 आपको बहुत अच्छा तगड़ा मुनाफा देने वाला है। तो आइए थोड़ा सा चार्ट्स पे चलते हैं, थोड़ा सा आंकड़ों पे चलते हैं कि अभी तक जिन बंदों ने, जिन लोगों ने इस पे पहले पैसा लगाया होगा, उनकी क्या परिस्थितियां रही है, क्योंकि आंकड़े जो है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं एक चार्ट पे। ये फायर्स का, जो फायर्स ब्रोकर है शेयर मार्केट का, उनका ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम किसी भी चीज की शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, और जो चीज मैंने आपको बताई आप यहाँ से उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और ब्रोकर के पास भी आपका अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे जीरोदा वगैरह, तो आप निसंकोच कमेंट में मुझे जो भी सवाल होंगे, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही होगी, तो मेरा नंबर तो रहता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके बिल्कुल सवाल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। पर ये जो अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल मिस ना करें। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर हम उस चीज को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट करता हूँ उस चीज को, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी बीज, ठीक है, उसकी स्पेलिंग है NIFTY BEES, निफ्टी बीज। तो निफ्टी बीज टाइप करके जो पहला निप्पॉन इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो इसको चलाती है, तो निफ्टी बीज को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे निफ्टी बीज आ गया। अभी इसका चार्ट लेते हैं और आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जो चार्ट है, लगभग 2000, मैंने आपको पहले ही कहा 1 जनवरी 2002 में ये इन्वेस्टमेंट आई थी, तब से स्टार्ट होके अभी जो आपकी तारीख है, आज की रिकॉर्डिंग डेट है मेरी 24 अप्रैल 2021, मतलब कितने साल हो गए, लगभग 2002 से 2000, अब आप 21 समझिए, मतलब हो गए 19 साल, समझ गए 19 साल। अभी जब वो स्टार्ट हुआ था, तब दोस्तों उसकी लगभग कीमत थी 11 रुपए 10 रुपए की वो चीज थी 2002 में, तब से आज उसकी कीमत चल रही है 153 रुपीज उसकी आज कीमत चल रही है, मतलब कितना गुना बढ़ गया है वो बढ़ गया है लगभग 120-125 गुना। 100% नहीं कह रहा हूं मैं, डबल नहीं कह रहा हूं, 120 गुना बढ़ गया है, मतलब 120 बार वो बढ़ चुका है। और रिस्क क्या है, जीरो, कोई रिस्क नहीं है मेरे हिसाब से, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि जो देश की इकोनॉमी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जी, इस तरीके से मार्केट जो है धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। हाँ, ये कोई कोई समय आता है जब किसी कारणवश, ये जो था, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 2008 का लेमैन ब्रदर क्रैश, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो क्रैश की वजह से ये मार्केट नीचे आया था। पर ये हमारे लिए हो जाती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब नीचे आया और खरीदिए, आप जहां पे आपको पॉसिबल होगा आप खरीदते जाइए, आपको ये मार्केट
बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिसने 2002 में इसमें इन्वेस्टमेंट चालू की होगी 10 रुपए से, आज 150 रुपए उसकी कीमत हो चुकी है, और ये 150 से 500 रुपए भी होगी, विश्वास कीजिए। तो ये वो आंकड़े हैं जो आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, हम यहाँ पे कुछ छुपा नहीं सकते, तो ये आपके सामने है। तो आपको क्या करना है अभी देखिए, ये जो थोड़ा चार्ट में बड़ा करके वो जरूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये जो एक बड़ी सी डाउनफॉल है, मतलब ये नीचे जो मार्केट आया था लगभग 150 रुपए से वापस आ गया था ये 80 रुपए पे, ये अपना कोरोना की वजह से आया था। तो जब कोरोना में मार्केट नीचे आया था तभी भी यहाँ पे खरीदारी की बहुत अच्छी संधि थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप बस खरीदते जाइए। पर दिमाग में एक चीज रखिए, ये आपको 5 से 10 साल के लिए रखना है, ठीक है। आप 153 रुपए की एक चीज की कीमत है उसमें, एक जिसको हम स्टॉक नहीं कहेंगे, हालांकि ये स्टॉक नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि एक क्वांटिटी अगर आप खरीद रहे, एक चीज खरीद रहे उसकी 153 रुपए आज कीमत है। बस आप ऐसे ही पैसे अगर किसी चीज में करते हो तो वहां पे सेव करके आप यहाँ पे जरूर पैसा लगाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत दिल से मैंने ये वीडियो बनाई, अगर सही में मेरी मेहनत, मेरी जो बातें अगर आपको पसंद आ रही होगी तो कम से कम वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।